सो चिल्ड्रेन स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम दैट इज़ गिवेन इन योर बुक ऑन पेज नंबर थर्टी सिक्स एट फिफ्टीन ओके आपकी बुक में एट फिफ्टीन में ये दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम सो डू इट इन योर नोट बुक अपनी कॉपीज़ पर करना है आपको सेम वे पुड द हेडिंग वर्ड प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चन नंबर ए

क्लियर अब दोनों का मिला के टोटल कितने कैटल्स उन दोनों के पास हैं ये आपको बताना है सो ऑल टुगेदर वर्ड जब भी आए तो आप समझ जाइए कि मैथ्स में इसमें इस क्वेश्चन में, इस में आपको ऐड ही करना है क्योंकि ऑल टुगेदर मतलब दोनों का मिला के या जितनी भी पर्सन वहाँ पे दिए हों या जो भी डेटा आपको दिया हो उसका मतलब ये हो गया कि आप मिला के तो सबका बताइए कि कितना टोटल है सो so, टोटल निकालने के लिए ऑल टुगेदर निकालने के लिए हम ऐड करेंगे ओके ना सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन ऐसे ही आपको क्वेश्चन राइट करना है अपनी नोटबुक पे देन पुट द हैडिंग थर्ड लाइन पुट द हैडिंग सोल्यूशन एंड देन स्टार्ट डूइंग द सोल्यूशन ओके उसके बाद आप सॉल्यूशन इस्टार्ट करेंगे सो इन सॉल्यूशन यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो सोल्यूशन में आपको स्टेटमेंट भी राइट करना है इस्टेटमेंट कैसे राइट करना है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे आप राइट करेंगे सो फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन में आप पहले राइट कीजिए दैट इज आफ्टर सॉल्यूशन सॉल्यूशन के बाद जो फर्स्ट लाइन है सबसे पहले काउ का दिया हुआ है सो राइट हियर काउज हैरी बिकॉज हैरी इज अ नेम सो राइट विथ कैपिटल लेटर काउ हैरी हैज ओके Then give some space and put equal sign. Abhi aap usko chhod Then next line. Next line. Tom has goat. So write goats. Tom has. Clear. Then इन वर्ड प्रॉब्लम यू हैव टू प्लेस इक्वल इन अ लाइन ओके इक्वल के बिल्कुल नीचे इक्वल आना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन इक्वल आपका यहाँ आ गया लेफ़्ट में और सेकेंड इक्वल आपका राइट में आ गया वर्ड प्रॉब्लम में या किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन में आप जब भी इक्वल साइन लगाएं, तो इक्वल साइन जो होगी वो हमेशा यहाँ पे एक के नीचे एक बिल्कुल बराबर आनी चाहिए ओके okay? नाउ अब काऊ हैरी के पास कितनी काऊ है? हैरी के पास है टू थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव राइट इट इन अ वेरी क्लियर हैंड राइटिंग क्योंकि आपको ऐड भी करना है अगर आपके नंबर्स लेफ्ट राइट हो गए तो आपको ऐड करने में प्रॉब्लम आएगी गोड्स टॉम हैज़ सो फ्रॉम द राइट साइड वन वन थ्री एंड देन फाइव ओके मीन्स वन डिजिट के नीचे वन डिजिट राइट साइड से बिल्कुल ऐसे यू हैव टू राइट इट लाइक दिस वे कि कोई भी नंबर्स आगे पीछे ना हो जिससे आपका ऐड करने पे आंसर रॉन्ग आ जाए सो so, सही आना चाहिए इसलिए बिल्कुल जैसे हम आपको ऐड करने का पैटर्न बताएं वैसे ही आप ऐड करेंगे प्लस साइन लगाना कंपलसरी है जिससे ये पता रहे कि आपको प्लस करना है नाउ देन थर्ड लाइन कैटल क्योंकि यहाँ पे कैटल दिया है तो अब इस टाइम आप दोनों का मिला के क्योंकि काउ और गोट अब अब यहाँ पे आप कैटल वर्ड यूज करिए कैटल ऑल टूगेदर अगेन इक्वल के नीचे इक्वल अब जब हम ऐड करते हैं तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजेंटल लाइन ऐड करिए आप यहाँ पे फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन थ्री प्लस वन वन प्लस थ्री डैट इज फोर टू प्लस फाइव इज सेवन सो द आंसर इज सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी सिक्स सो राइट डैट इन आंसर यहाँ पे आपको आंसर भी राइट करना है डैट इज दे हैड दे हैव सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी सिक्स कैटल ऑल टूगेदर ओके okay, ये जो स्टेटमेंट्स बनती है चिल्ड्रेन द स्टेटमेंट विच आई हैव रिटर्न हीयर इज फ्रॉम द क्वेश्चन इट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही स्टेटमेंट है आपको वहीं से लाइन पिक करके ये स्टेटमेंट फॉर्म करनी है ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन नंबर ए डू इट ऑन योर नोटबुक नाउ चिल्ड्रेन बी क्वेश्चन A man bought two boxes of fruits. One box contained 1186 apples, and the other box uh, contained 4414 oranges. Find the total number of fruits he bought. Again, total number of fruits. Clear? A man. अ मैन बॉट एक मैन है जिन्होंने परचेज किया दी बॉट टू बॉक्स उन्होंने टू बॉक्स फ्रूट्स परचेज किया बट दोनों में अलग अलग फ्रूट थे दोनों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स थे इन वन बॉक्स इट हैड वन थाउजेंड वन हंड्रेड एट्टी सिक्स एप्पल वन बॉक्स में वन थाउजेंड वन हंड्रेड एट्टी सिक्स एप्पल था बट इन द अदर बॉक्स दूसरे बॉक्स में फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड फोटीन औरेंजेस थे नाउ क्वेश्चन का सिर्फ आप पार्ट पार्ट में रीड किया करिए तो वो आपको ईजिली समझ में आएगा मीन्स एक फुल स्टॉप से फुल uh, स्टॉप तक रीड करिए उसका मतलब समझिए फिर सेकेंड फुल स्टॉप तक रीड करिए उसका मतलब समझिए उसके बाद क्वेश्चन रीड करिए ओके अब लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दैट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ फ्रूट्स ही बॉट अब बताना क्या है कि उस मैन ने द मैन हुज परचेज टू बॉक्स ऑफ फ्रूट हाउ मनी टोटल फ्रूट्स ही हैज़ ब्रॉड क्योंकि यहाँ पे एप्पल का अलग और ऑरेंज का अलग दिया हुआ है अब आपको टोटल फ्रूट्स बताना है उसने कितना परचेज़ किया तो फ्रूट्स में एप्पल और ऑरेंज दोनों आएंगे, दोनों को आप आपको ऐड करना है क्योंकि आपको टोटल नंबर बताना है तो टोटल बताने के लिए आप ऐड ही करेंगे आप इनको ऐड कर देंगे फ्रूट्स टोटल नंबर ऑफ़ फ्रूट्स आ जाएगा ओके okay? सो ऑन योर नोट बुक राइट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक बुक में जो बी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप पहले नोट डाउन करेंगे एंड चिल्ड्रेन वन मोर थिंग डैट इफ़ यू आर राइटिंग अ क्वेश्चन ऑन एनी पेज सपोज आपने ए वाला क्वेश्चन पहले राइट किया अब उसी पेज पर नीचे स्पेस बची हुई है तो आप बी क्वेश्चन वहाँ से राइट कर सकते हैं बट मेक श्योर वेन यू आर यूजिंग द सेम पेज यू हैव टू राइट द क्वेश्चन एंड द सोल्यूशन ऑन द सेम पेज मतलब अगर आप ए सपोज आपने ए क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन यहाँ पे राइट किया ओके okay? आपने राइट कर लिया बुक आपके कॉपीज़ पे नीचे स्पेस है बट थोड़ी स्पेस है तो आपने क्वेश्चन बी का यहाँ राइट किया बट अब आपकी आपके पास स्पेस नहीं बची तो बी का सॉल्यूशन आप नेक्स्ट पेज पे राइट करेंगे तो ये पैटर्न गलत है आप ऐसे नहीं करेंगे अगर आपके पास इतनी स्पेस है कि आप क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन सेम पेज पे राइट कर सकते हो तब आप टू क्वेश्चन सेम पेज पे लिख लीजिए नो प्रॉब्लम इन दैट हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आपने यहाँ लिखा सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट पेज पे आ रहा है या हाफ सॉल्यूशन यहाँ आ रहा है हाफ सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे आ रहा है तो वो मेथड रॉन्ग है वैसे नहीं होना चाहिए मींस क्वेश्चन और सॉल्यूशन सेम पेज पे आना चाहिए ओके सो नोट डाउन क्वेश्चन नंबर बी फ्रॉम द बुक आप अपने बुक से क्वेश्चन नंबर बी राइट कीजिए देन आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन पुट द हेडिंग सॉल्यूशन And then start writing the statement that is apple in one box. Apples in one box, then leave the space from the next line.

फ्रॉम द राइट साइड फोर वन फोर फोर एंड देन प्लस साइन देन थर्ड लाइन देट इज टोटल अब यहाँ पर आप निकाल के आ रहे हैं ऐड करके टोटल फ्रूट सो राइट ईयर टोटल फ्रूट नाउ एड इक्वल साइन एंड देन एड सिक्स प्लस फोर डेट इज ट कैरी वन एट प्लस वन नाइन नाइन प्लस वन टेन अगेन कैरी वन वन प्लस वन टू टू प्लस फोर इज सिक्स देन फोर प्लस वन फाइव फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सो इन द आंसर ये राइट करने के बाद आप आंसर राइट कीजिए डैट इज़ ही बॉट he bought 5600 fruits so children now question number c a toy factory a toy factory means the factory which uh, uh, produce uh, toys wo factory jo toys banati hai. so a toy factory produced 1386 toy cars in the month of march means march month me jo toy factory hai wo uh, 1386 toy car banati hai. and uh, 8,347 टॉय कार्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल और अप्रैल मंथ में 8,347 टॉय कार बनाती है ठीक है मतलब यहाँ पे उस फैक्ट्री का मार्च और अप्रैल मंथ का प्रोडक्शन दिया हुआ है प्रोडक्शन मीन्स कितना बनाती है कितना प्रोड्यूस करती है क्वेश्चन इज वॉट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ टॉय कार्स प्रोड्यूस इन दिस टू मंथ ओके टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर जब भी टोटल आए मतलब कि ऐड करना है पूरा मिला के आपसे पूछा जा रहा है मार्च का दिया हुआ है अप्रैल का दिया हुआ है आपको दोनों मंथ का टू मंथ्स का मिला के टोटल बताना है कि उस फैक्ट्री में टॉय फैक्ट्री में मार्च और अप्रैल मंथ में टोटल कितना प्रोडक्शन होता है ओके सो अगेन राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट आप सबसे पहले क्वेश्चन राइट करिए ऑन अ न्यू पेज ओके आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन द हेडिंग सॉल्यूशन ओके okay. हम यहां पे क्वेश्चन नहीं राइट किए बट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन ऑल्सो आपको यहां पे क्वेश्चन को राइट करना है सो आफ्टर राइटिंग दिस हेडिंग राइट डाउन द स्टेटमेंट दैट इज कार्स प्रोड्यूस्ड in march okay then leave this after that second statement is toy cars produced in april सो चिल्ड्रेन आफ्टर दैट अब हम आपको सारे स्टेटमेंट के बाद इक्वल साइन इसलिए लगवा रहे हैं मे भी अगर सेकेंड लाइन आगे चली गई और आपने इक्वल यहीं लगा दिया तो वो इक्वल वन लाइन में नहीं आएगा ओके okay? तो आप स्टेटमेंट राइट uh, कर लीजिए स्टेटमेंट लिखने के बाद ही आप इक्वल साइन लगाइए इन मार्च मंथ हाउ मच वॉज द प्रोडक्शन डैट इज वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्स Then in April, month 8347. Okay, then uh, plus sign because you have to add. Then, next statement what you are going to find out that is total toy cars produced. So, right here total.

Seven hundred thirty three toy car. नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी थ्री टॉय कार्स वर प्रोड्यूज इन दीज टू मंथ्स क्वेश्चन नंबर डी अ शॉपकीपर सोल्ड वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी फाइव पेन्स एंड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन पेंसिल्स एंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन नोटबुक्स इन वन मंथ ओके फुल स्टॉप तक पहले आप समझ लीजिए क्या कह रहा है डेटा शॉपकीपर एक शॉपकीपर है डेट सोल्ड ही सोल्ड वो सोल्ड करता है सेल करता है मीन बेचता है कितना 1795 पेन इतनी पेन सेल कर देता है एंड 4516 पेंसिल्स एंड 457 नोटबुक्स इन वन मंथ मींस वन मंथ में उसका अलग अलग आइटम्स का नंबर दिया है कि वन मंथ में पेन pen, पेंसिल और नोटबुक कितनी टोटल सेल हो जाती है ओके नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द टोटल ऑफ स्टेशनरी अब पेन पेंसिल और नोटबुक ओवरऑल मिला के स्टेशनरी आइटम्स में आते हैं ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल ऑफ स्टेशनरी आइटम ही सोल्ड इन दैट मंथ मींस टोटल स्टेशनरी आइटम उसकी शॉप पे कितना सेल हो जाता है वन मंथ में कितना सेल होता है सो स्टेशनरी आइटम में पेन pen है पेंसिल एंड नोटबुक है जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे इंडिविजुअली पेन पेंसिल और नोटबुक का दिया हुआ है तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल तो स्टेशनरी तो तो कितनी सेल हुई उस शॉप पर वो निकल आएगा क्लियर सो ओवरऑल आपको ऐड करना है यहाँ पे सो अगेन इन द सेम वे ऑन फ्रॉम द न्यू पेज राइट क्वेश्चन डी फ्रॉम द बुक पेज नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन राइट करने के बाद सॉल्यूशन हेडिंग आप डालेंगे देन आफ्टर राइटिंग द सॉल्यूशन राइट द स्टेटमेंट दैट इज पेन्सोल्ड ओके डोंट पुट द इक्वल साइन जब लास्ट वाली एंड लाइन जहां एंड हो गया हम वहीं से इक्वल साइन लगाएंगे देन पेंसिल पेन्स पेंसिल्स सोल्ड आफ्टर दैट नोटबुक्स नोटबुक्स सोल्ड एंड देन टोटल अब इन तीनों को ऐड करके आप निकालेंगे क्या आप निकालेंगे टोटल स्टेशनरी टोटल स्टेशनरी सोल सी लास्ट लाइन इज टू लेंदी ना अगर आप इक्वल साइन यहाँ पे लगा देते फर्स्ट लाइन में और लास्ट लाइन की इक्वल आपकी यहाँ पे आती मींस इक्वल वन लाइन में नहीं आ पाता तो इसलिए जब पूरा स्टेटमेंट राइट करने के बाद ही आप इक्वल साइन लगाइए सो पुट द इक्वल साइन फ्रॉम हियर पेन सोल्ड इज़ वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी फाइव सो राइट हीर वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी फाइव दैन पेंसिल सोल्ड इज़ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन सो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटीन देन नोटबुक सोल्ड इज़ फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन फोर हंड्रेड हंड्रेड के नीचे से आपको राइट करना है या फिर जो पैटर्न हम आपको बताएँ राइट साइड से राइट कीजिए सेवन फाइव एंड फोर प्लस साइन नाउ एड ओके दिस टाइम यू हैव टू एड आप एड करिए एंड आफ्टर एडिंग इट यू टेल मी द आंसर ओके ऐड करके आप यहां पर हमें आंसर बताइए देन इन द आंसर लाइन राइट द आंसर दैट इज द शॉपकीपर सोल्ड ओके देन वॉट एवर आंसर विल कम हिअर राइट इट हीयर ठीक है द शॉपकीपर सोल्ड शॉपकीपर ने कितना सेल किया वो आंसर आपको यहां राइट करना है तो जो भी आंसर यहां ऐड करने पर आए वो आप यहां पे फिल कर दीजिएगा स्टेशनरी इन डैट मंथ डन क्वेश्चन नंबर ई अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 1186 पैकेट्स ऑफ पोटैटो पोटैटो चिप्स ऑन मंडे ओके एक फैक्ट्री है जो पोटैटो चिप्स बनाती है सो ऑन मंडे ही प्रोड्यूस सॉरी इट द फैक्ट्री प्रोड्यूस 1186 पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन पैकेट्स ऑफ पैकेट्स ऑन ट्यूजडे ओके मंडे को कितना चिप्स बनाती है वन थाउजेंड वन हंड्रेड एट्टी सिक्स पैकेट्स बनाती है एंड सिक्स सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स द फैक्ट्री प्रोड्यूस ऑन ट्यूजडे एंड वन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी थ्री पैकेट्स ऑन वडे मतलब यहाँ थ्री अलग अलग दिन का यहाँ पे फैक्ट्री की प्रोडक्शन दी हुई है पोटैटो चिप्स की क्वेश्चन इज हाउ मेनी पैकेट्स वर प्रोड्यूज इन द थ्री डेज ऑल टूगेदर ओके चिल्ड्रेन ऑल टुगेदर वर्ड फिर से आया है बार बार हम कह रहे हैं जब भी ऑल टूगेदर वर्ड आए मतलब आपको ऐड ही करना है ऑल टूगेदर मतलब सब मिला के अलग अलग दिन का दिया है मंडे ट्यूजडे वेंसडे का दिया हुआ है अब आपको तीनों दिन का एक साथ बताना है कि तीनों दिन का ओवरऑल मिला के उस फैक्ट्री में पोटैटो चिप्स कितना प्रोड्यूस होता है पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स कितना प्रोड्यूस होता है क्लियर सो यहाँ पे भी आपको ऐड करना है सेम वे राइट द क्वेश्चन दैट इज ई क्वेश्चन राइट कीजिएगा उसके बाद ही सोल्यूशन राइट करिएगा ना वट इज दॉल्यूशन डैट द पैकेट्स प्रोड्यूज ऑन मंडे अब हम पूरा आपको शॉर्ट करना है जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखिए नाउ वी कैन ट्राइट दैट पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स इट विल टेक द होल लाइन ओके सो शॉर्ट करिए आप उसको राइट पैकेट्स Packets produced on Monday, then packets produced on Tuesday, and then packets produced on Wednesday. Now equal sign. Then how many packets produced on Monday? That is one thousand one hundred eighty-six. So right here one thousand one hundred, and then eighty-six. Then on Tuesday, six thousand three hundred twenty-one. So write six thousand three hundred, then twenty-one. Then on Wednesday, one thousand. वन हंड्रेड फोर्टी थ्री देन प्लस साइन बिकॉज यू हैव टू एड नाउ एड करके क्या आंसर आपको मिल रहा है टोटल पैकेट्स प्रोड्यूस्ड सो राइट ही इस लाइन के सामने आना चाहिए आंसर के सामने टोटल पैकेट्स प्रोड्यूस खुद से एड करिए ओके ना इन आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एड करने पर आपका यहाँ पे आंसर आएगा वो आप यहाँ राइट करेंगे दैट डिस्ट मच ऑफ पैकेट पैकेट ऑफ अब क्योंकि ये आंसर है तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना है ओके पैकेट ऑफ पोटैटो पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स वर produced. वर प्रोड्यूस्ड ऑल टू गैदर जो बुक में दिया हुआ है आपको वहीं से मिला के ये राइट करना है दिस मच ऑफ मतलब ये जो भी नंबर होगा ये वो आंसर होगा ओके ये ही आंसर आपको यहाँ पे राइट करना है ये एरो मत बना दीजिएगा ये एरो आपको नहीं बनाना है यू हैव टू राइट द आंसर दैट टोटल पैकेट्स प्रोड्यूस सो आंसर दिस मच पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स वर प्रोड्यूस ऑल टू